जोजो किड्स। एक जंगल में एक बहुत ही खतरनाक शेर रहता था। क्योंकि वह जंगल का राजा था, इसीलिए वो कभी भी किसी को भी खा जाता। एक दिन जब राजा अपनी गुफा में आराम कर रहा था, तभी एक छोटे से चूहे की नजर शेर पर पड़ी। अरे वाह, इतना बड़ा शरीर, इतने बड़े बड़े पंजे, इनके तो दांत भी बहुत नुकीले लग रहे हैं। शेर राजा जी का तो कोई मुकाबला नहीं कर सकता, तभी सब जानवर इनसे इतना डरते हैं। चलो गुफा में अंदर चल के देखता हूँ। जैसे ही चूहा शेर के पास पहुँचा, अचानक शेर की आंख खुल गई और उसने चूहे को दबोच लिया। अरे वाह, आज तो भोजन खुद चलकर मेरे पास आ गया, मजा आ गया। मुझे माफ कर दो राजा जी, मैं तो गलती से आपके पास आ गया। मुझे खाकर तो आपकी भूख भी नहीं मिटेगी। हो सकता है मैं आपके कभी काम भी आ जाऊं। चूहे की यह बात सुनकर राजा के मन में दया आ गई और उसने कहा, ठीक है, वैसे भी मेरा पेट आज बहुत भरा हुआ है। जाओ, मैं आज तुम्हें छोड़ता हूँ, लेकिन दोबारा ऐसी गलती मत करना। और इस तरह चूहे की राजा ने जान बख्श दी। एक दिन राजा शेर भोजन की तलाश में नदी किनारे पहुँचा। वहाँ उसे शिकारियों ने अपने जाल में फंसा लिया। गुस्से में आकर शेर जोर जोर से दहाड़ने लगा। ये तो राजा जी की आवाज है, लगता है हमारे राजा किसी मुसीबत में है, चलो उनकी रक्षा करते हैं। चूहे ने जब शेर को जाल में फंसा देखा तो अपने दोस्तों के साथ तुरंत जाल को काट दिया और अपने राजा की जान को बचा लिया। शेर को खुला पाकर शिकारी भी भाग खड़े हुए। उस दिन के बाद से शेर और चूहा अच्छे मित्र बन गए। दो कौवे। एक जंगल में दो कौवे रहते थे, एक था कालू और दूसरे का नाम था भोलू। दोनों मिलजुल कर साथ साथ रहते थे, लेकिन उनमें से कालू बहुत चालाक और हट्टा कट्टा था और बेचारा भोलू जैसा नाम वैसा ही सीधा और सादा था। एक दिन कालू और भोलू में बहस हो गई। मैं तुमसे ज्यादा हट्टा कट्टा हूँ, इसलिए मैं तुमसे ताकतवर हूँ। नहीं नहीं, मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ, क्योंकि मैं तुमसे उम्र में बड़ा हूँ और ज्यादा समझदार हूँ। दोनों अपनी अपनी बात पर अड़े रहे। कालू कहता है कि वह ताकतवर है और भोलू कहता है कि वो ताकतवर है। बस ये लड़ाई खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तब दोनों अपने बीच में प्रतियोगिता रखते हैं। जो भी अपनी चोंच में एक थैली में कुछ भरकर जितना ज्यादा ऊपर उड़ेगा वो ही ताकतवर होगा। कालू बहुत चालाक था, उसने अपने थैले में रुई की गेंदे भर दी, लेकिन भोलू के थैले में नमक भर दिया, जिस बात का भोलू को पता ही नहीं चला। अब दोनों ने उड़ान भरनी शुरू की। देखते ही देखते कालू ऊपर की तरफ चला गया और बेचारा भोलू वजन के मारे ज्यादा देर तक ऊपर नहीं उड़ पाया। वह नीचे नीचे ही उड़ता रहा, क्योंकि उसकी थैली में ज्यादा वजन था। तभी अचानक बहुत तेज बारिश होने लगी। कालू बहुत परेशान हो गया, क्योंकि रुई की गेंदे बारिश के पानी की वजह से भारी हो गई थी, जिसकी वजह से उसका थैला भी भारी हो गया था। उसे उड़ने में बहुत परेशानी होने लगी, लेकिन भोलू को बारिश अच्छी लगने लगी, क्योंकि बारिश के कारण उसका थैला अब हल्का हो गया था, क्योंकि बारिश के कारण उसके थैले में रखा नमक घुलने लगा था। अब भोलू ऊपर उड़ने लगा और उसने चुनौती भी जीत ली। हमें किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। दो बकरियां। एक बार की बात है,
रतन नाम का एक चरवाहा अपनी बकरियों को नदी किनारे घास चराने ले गया। रतन नदी किनारे पेड़ की छाव में सुस्ताने लगा और दोनों बकरियां घास चरने लगी। अचानक पहली बकरी को नदी की दूसरी तरफ हरी हरी घास दिखाई दी। अरे वाह, उस पार तो इतनी सुंदर घास, ये तो बहुत स्वादिष्ट होगी, मैं उस पार जाकर इसे खा लेती हूँ। मैं पर कैसे? तभी बकरी की नजर एक पेड़ पर गई, जो बहुत लंबा था और किसी कारण से गिर गया था और नदी के उस पार तक जुड़ गया था, जैसे कोई पुल हो। बकरी बहुत खुश हो गई और सोचने लगी कि मैं इस पेड़ के सहारे उस किनारे तक पहुंच सकती हूँ। बकरी पुल पर चढ़ने लगी, तभी उसकी नजर एक और बकरी पर पड़ी, जो उसी पेड़ के सहारे उस पार आना चाहती थी। पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ, मुझे नदी पार करनी है। मैं तुम पीछे हटो, तुम पीछे हटो, दूसरी बकरी ने कहा। पहले तो मैं इस पर आई हूँ, पहले मैं पार करूँगी। मैं दोनों बकरियाँ आपस में झगड़ने लगी। पहली बकरी समझदार थी, उसने कहा, मैं पीछे नहीं हटूंगी, मगर नीचे बैठ जाती हूँ, तुम मुझे टाप कर नदी की दूसरी तरफ जा सकती हो। मैं झगड़ा कर कोई फायदा नहीं। दूसरी बकरी मान गई और पहली बकरी के झुकते ही वह टाप कर नदी के दूसरी तरफ चली गई। दोनों बकरियों ने नदी पार कर ली और एक दूसरे को शुक्रिया अदा किया। हमेशा लड़ाई झगड़े से नहीं, बल्कि बुद्धिमानी से हल निकाला जा सकता है। खरगोश और बंदर बहुत अच्छे दोस्त थे। वे हर रोज खूब खेलते और कभी कभी रेस भी लगाते थे। उन्हें देख कछुए का भी रेस लगाने का बहुत जी करता, लेकिन कोई भी कछुए के साथ खेलना पसंद नहीं करता था, क्योंकि वो बहुत धीरे धीरे चलता था। एक दिन खरगोश और बंदर रेस लगा रहे थे, तभी कछुए को उन्हें देख रेस लगाने का बहुत जी किया। तुम लोग मेरे साथ क्यों नहीं खेलते? मुझे भी तुम्हारे साथ खेलना है, मुझे भी अपने साथ खिलाओ प्लीज। खरगोश और बंदर कछुए की बात सुन जोर जोर हंसने लगे। तुम तो इतने धीरे धीरे चलते हो, कैसे रेस लगाओगे? हाँ बताओ। तो इसका यह मतलब हुआ ना कि मैं हार जाऊंगा और तुम जीत जाओगे, तो तुम क्यों डर रहे हो मुझसे? अच्छा ये बात है, ठीक है आओ मैं तुम्हारे साथ रेस लगाता हूँ। बंदर, तुम बताना कि कौन जीता। ठीक है, दिन ढलने से पहले जो नदी का चक्कर लगाकर वापस आएगा वो जीत जाएगा, लेकिन हाँ सबसे पहले जो चक्कर लगा के आएगा वही जीतेगा। रेस शुरू हो गई। कछुआ धीरे धीरे नदी की तरफ बढ़ने लगा और खरगोश कुछ ही देर में नदी का आधा चक्कर लगा चुका था। उसने सोचा, मुझसे जीतना तो नामुमकिन है, वो बेचारा कछुआ तो बहुत पीछे होगा, चलो थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। खरगोश पेड़ के नीचे सो गया, पर कछुआ बेचारा चलता रहा चलता रहा, पूरी नदी का चक्कर लगा लिया और जीत गया। बंदर उसे देख हैरान रह गई। खरगोश अपने घमंड के कारण हार चुका था और कछुआ अपने आत्मविश्वास से जीत गया। ये बहुत समय पहले की बात है, एक जंगल में बहुत सारे जानवर मिलजुल कर खुशी खुशी रहते थे। एक दिन उस जंगल में एक ताकतवर शेर आया। वह अपनी मर्जी से जब चाहता किसी भी जानवर को पकड़कर मार डालता और खा जाता। धीरे धीरे जानवर जंगल में कम होने लगे। इस बात से परेशान होकर सभी जानवरों ने एक निर्णय लिया और शेर से मिलने पहुंच गए। वहां पहुंचकर सभी जानवरों ने अपनी बात शेर के सामने रखी। हाथी बोला,
जंगल के हम सभी जानवरों ने एक निर्णय लिया है। कैसा निर्णय? हम में से हर रोज एक जानवर आपका भोजन बनकर आएगा। आपको शिकार ढूंढना नहीं पड़ेगा। अरे, मैं तुम्हारी बात कैसे मानूं? कैसे विश्वास करूं? ऐसा ही चलता रहा तो थोड़े ही दिनों में हम सब मर जाएंगे। जंगल में कोई जानवर नहीं बचेगा, फिर आपको खाना नहीं मिलेगा। आप तो राजा हैं, हमें सेवा का मौका दे दीजिए। ठीक है, लेकिन समय से हर रोज भोजन भेजना ही होगा, वरना। अब हर रोज एक जानवर भोजन बनकर जाने लगा। एक दिन चालाक खरगोश की बारी आई। खरगोश नियमित समय पर नहीं गया। उसके दिमाग में एक उपाय चल रहा था, जिसके चलते वह देरी से गया। जब वह वहां पहुंचा, शेर बहुत गुस्से में था। इतनी देर कैसे हो गई? तुम तो बहुत छोटे हो, तुम्हें खाने से तो मेरी भूख भी नहीं मिटेगी। मेरे साथ एक और जानवर भी आया था राजा जी, लेकिन उसे रास्ते में एक और शेर ने खा लिया। इस जंगल में मुझसे बलवान शेर, मुझे दिखाओ किसने मेरे भोजन पर अपना अधिकार किया। महाराज, मैं आपको वहाँ ले चलता हूँ, चलिए। खरगोश शेर को जंगल में कुएं के पास ले गया। महाराज, वो शेर इसी कुएं के अंदर छिपा है। शेर ने उस कुएं में झांका, वहां उसे अपना ही प्रतिबिंब दिखा। शेर दूसरे शेर को मारने के लिए कुएं में कूद गया। कुएं से बाहर ना निकल पाने के कारण बेचारा शेर वहीं मर गया। अब सभी जानवर खरगोश की तारीफ करते नहीं थक रहे थे। खरगोश की चतुराई से सभी जानवरों की जान बच गई थी और वे सभी जानवर जंगल में खुशी खुशी रहने लगे। कौआ और बंदर। एक बड़े से बरगद के पेड़ के ऊपर कौवे का छोटा सा घोंसला था। वह अपने परिवार के साथ वहां रहता था। वह बहुत समझदार और मेहनती था, पर उसमें एक कमी भी थी। वह बिना वजह सबको सलाह देता, जो कभी किसी को पसंद नहीं आती थी, और इसी बात का उसे बहुत नुकसान उठाना पड़ता था। एक दिन जंगल में बहुत बरसात हुई। सभी जानवर अपने अपने घरों में जाकर छिप गए, लेकिन कौवा निश्चिंत था, क्योंकि वह भी अपने घोंसले में सुरक्षित था। तभी उसने देखा कि एक बंदर भीगता हुआ पेड़ पर चढ़ गया और वह ठंड से बहुत कांप रहा था। अरे भाई बंदर, तुम अपने घर क्यों नहीं चले जाते? यहाँ बारिश में क्यों भीग रहे हो? बंदर ने कांपते हुए कहा। मेरा तो घर यह पेड़ ही है, मैंने तो कभी घर बनाया ही नहीं, ऐसा सोचा ही नहीं। तुम बंदर बहुत मूर्ख होते हो, मैंने तो बरसातों से पहले ही अपना घर बना लिया। देखो मैं कितना सुरक्षित हूँ, मेरा परिवार भी सुरक्षित है। बंदर को बहुत गुस्सा आया और उसने गुस्से में आकर कौवे का घोंसला तोड़ दिया। अब समझे, इसीलिए कहते हैं हमें बिना पूछे किसी को सलाह नहीं देनी चाहिए। दो बिल्लियाँ और बंदर। एक शहर में दो बिल्लियाँ थी, वो दोनों साथ साथ खेलती और खाना भी साथ साथ ढूंढती। एक का नाम था लूसी और दूसरी का नाम था पूसी। दोनों खाने के लिए बहुत झगड़ा भी करती थी। दोनों चोरी करने में बेहद माहिर थी। जब भी किसी के घर का दरवाजा खुला रह जाता, वो तुरंत जाकर रसोई से दूध पी लेती। एक बार वे दोनों खाने की तलाश में घूम रही थी, अचानक रास्ते में उन्हें एक रोटी दिखाई दी। लूसी ने कहा, अरे वाह, ये कितनी स्वादिष्ट रोटी है,
मेरा तो खाने का इंतजाम हो गया। उसी ने कहा। क्या कहा? यह रोटी मेरी है, मैंने इसे पहले देखा था। तुम जाओ यहाँ से। लूसी ने कहा। क्या तुम हमेशा दूसरों का खाना खाती हो, दूसरों से छीनती हो? चली जाओ यहाँ से, ये मेरी रोटी है। मुझे बेवकूफ मत बनाओ, यह रोटी मेरी है, लालची कहीं की। मेरी। दोनों बिल्लियाँ जोर जोर से रोटी के लिए आपस में झगड़ने लगी। तभी वहाँ उनका दोस्त बंदर आ गया। बंदर ने कहा, इतनी सी बात पे क्या झगड़ना, मैं इस रोटी को आधा कर देता हूँ, तुम दोनों उसे खा लो। ओ बंदर, हमारी बहुत मदद हो जाएगी, ये तो मुझसे हमेशा लड़ती रहती है। लो, हो गए रोटी के दो टुकड़े। नहीं, इसमें एक छोटा है। लाओ, मैं अभी बराबर कर देता हूँ। अरे ये अभी भी छोटा है। लाओ, मैं फिर बराबर कर देता हूँ। बस इसी तरह चालाक बंदर ने थोड़ा थोड़ा करके पूरी रोटी को खा लिया और दोनों बिल्लियाँ यह देखकर सर पकड़ने लगी। अरे ये हमने क्या किया, ये चालाक बंदर तो हमारी रोटी खा गया। ठीक ही कहा है किसी ने, झगड़ा करने से कुछ नहीं होगा, इससे अच्छा तो हम दोनों बांट कर इस रोटी को खा लेते, है ना पूसी? हाँ, लूसी। Please subscribe.